दोस्तों फांसी देते समय अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? फांसी देने से कितने दिन पहले उसके घर वाले को बताया जाता है? फांसी देते समय कौन कौन सा व्यक्ति वहां पे अवेलेबल रहता है? इन सभी का आपको वीडियो के अंत तक सारे के सारे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फांसी दिया जाता है कोई व्यक्ति को, फांसी देते समय अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? आप लोग सोचेंगे कि अगर फांसी देते समय रस्सी टूट जाए तो फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति को माफ कर दिया जाएगा कि आपके समय रस्सी टूट गया है तो आपको माफ कर देगा। ऐसा नहीं होता है। फांसी देते समय देखा जाता है कि वो आदमी का वजन कितना है, उसके हिसाब से रस्सी मंगाया जाता है। अगर रस्सी भी टूट जाता है तो उसको लिखा रहता है, जज लिखे हुए रहते हैं कि जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक के लिए इसे फांसी पर लटकाए रखो। दोस्तों जब आजादी के पहले फांसी अधिक मात्रा में दिया जाता था अंग्रेज द्वारा, यह बात फैक्ट है, अंग्रेज द्वारा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद जो फांसी दिया गया वह कितने बार फांसी दिया गया, यानी कि कितने लोग को फांसी दिया गया। अभी तत्काल में जो कि अभी न्यूज आया है कि मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले को 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया, लेकिन आजादी के बाद ओवरऑल और गिना जाए तो मात्र 7 आदमी को फांसी का सजा मिला हुआ है। दोस्तों जो इंसान होता है, इंसान यानी कि व्यक्ति आदमी जो होता है वह 1 वर्ष के अंतर्गत कितने बार हंसता है, 1 दिन में कितने बार हंसता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। 1 वर्ष के अंतर्गत जो व्यक्ति हंसता है वो हंसता है 5479, कितने बार, 5479 बार 1 वर्ष के अंतर्गत व्यक्ति हंसना है, यानी कि लगभग इतने के करीब प्रत्येक व्यक्ति को, इंसान को हंसना है। यानी कि कौन सा देश है जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा देश है जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। आप कहेंगे कोई ऐसा आज तक देश ही नहीं है जहां पर मच्छर नहीं पाया जाता होगा, लेकिन है, जिसका नाम आप जानकर चौंक जाएंगे, फ्रांस। फ्रांस ऐसा एक देश है, दुनिया का सबसे यानी कि देश है जहां पर आज तक एक भी मच्छर का वहां पर रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है। यहां कितना बार रिसर्च हो चुका है। तो अगर आप कोई राइटिंग यानी कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन कौन सा अंग्रेजी में लेटर है जो उनके सबसे अधिक बार उसका उपयोग किया जाता है? आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं उन लेटरों के बारे में? क्या आप सोचे हुए हैं कि कौन सा लेटर है और अधिक बार हम लोग प्रयोग करते हैं कोई भी पोएट्री स्टोरी लिखने में? ई, जो ABCD का अक्षर होता है, ई शब्द है वह सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाता है कोई भी इंग्लिश शब्द लिखने के लिए। कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति का जो दिन होता है, यानी कि कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पी रहा, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा, उसका जो जीवन काल होता है वह अंतर रहता है, यानी कि 10 साल के करीब अंतर रहता है। लेकिन अगर आप 60 साल के बाद से अगर सिगरेट पीना छोड़ेंगे तो क्या आपको जो जीवन काल है उसका बढ़ने की संभावना है? जी हाँ, अगर आप 60 साल के बाद भी अगर आप छोड़ रहे हैं सिगरेट पीने की आदत, तो आपका जो जीवन काल है वह बढ़ने की बहुत अधिक संभावना बढ़ता है। ऐसा है वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दारू पिया हुआ है, उसे नशा चढ़ा हुआ है, तो आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा बहुत मूर्ख आदमी है जो कि नशा में है। लेकिन जो व्यक्ति जिस समय नशा में है उस समय पर कितने व्यक्ति, यानी कि दुनिया में कितने व्यक्ति हैं जो कि नशे में जूझ रहे हैं, जैसे कि हमेशा यानी कि एनी टाइम नशे में, लगभग हर समय में 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ प्रत्येक समय में व्यक्ति जो है वह नशे में ही रहते हैं, लगभग 5 करोड़ के अंतर्गत। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कि हमारे देश यानी कि भारत देश में नियम है कि अगर नया साल आ रहा है तो वहाँ पर पिकनिक मनाया जाएगा, कहीं पर जाके घूमा जाएगा, मौज मस्ती किया जाएगा, इस प्रकार का भारत में नियम है। लेकिन कौन सा देश है जहाँ पर वहाँ पर नियम है कि आप जो रेड यानी कि लाल कलर का जो जंगा होता है उसे पहन कर वहाँ पर कहा जाता है कि सबसे खुश नसीब कहा जाता है, वहाँ पर लक्की माना जाता है, इसलिए लाल कलर का जंगा पहना जाता है? इटली, यानी कि इटली देश है, वहाँ पर यह नियम है। ऐसा है कि को फांसी देने की सजा निश्चित कर दिया गया कि इस व्यक्ति को फांसी पड़ेगा, यानी कि जज के सामने जजमेंट किया जाता है, वकीलों का बहस होता है, उसमें जाकर जब फैसला हो जाता है कि इस व्यक्ति को फांसी निश्चित है कि पड़ेगा, यानी कि फाइनल हो गया कि इसको फांसी पड़ेगा। लेकिन फांसी पड़ने के कितने दिन बाद ही, यानी कि जजमेंट होगा उसके कितने दिन बाद फांसी पड़ेगा, 15 दिन पहले बता देता है कि घर वालों के कि आपको जो व्यक्ति है उनको फांसी की सजा हो गया है, आप आकर जल्द से जल्द मिल ले, इसीलिए बताया कि सजा पड़ता है। उस समय जो फांसी लटका जाता है रस्सी का, वह रस्सी क्या कंपनी द्वारा बनकर आता होगा? नहीं, वह कंपनी द्वारा बात है कि नहीं बनकर आता है, लेकिन उसे कौन बनाता है? उसको एक जेलर ही बनाता है जो कि जेल के अंदर काम दिया जाता है रस्सी बांटने के लिए। लेकिन वह कहाँ के व्यक्ति बांटता है? वह बिहार के व्यक्ति है जो कि बक्सर के जेल में जाकर वहाँ बनता है। इसलिए बक्सर के जेल से बनता है क्योंकि बिहार के बक्सर को जेल में जो व्यक्ति रहते हैं
उसको फांसी का जो फंदा बनाने का प्रैक्टिस बहुत अधिक होने के कारण वहां से बनकर पूरे भारत में जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई व्यक्ति अगर जैसे कि व्यायाम कर रहा है, व्यायाम करते समय उसको एनर्जी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ता है, और एनर्जी अगर कम आपके हो रहा है तो आपको बहुत शरीर का लगता है कि हराने महसूस हो रहा है, लेकिन उसको कम करने के लिए जैसे कि कोई व्यक्ति आर्मी का तैयारी कर रहा है तो आर्मी की तैयारी करने में बहुत अधिक जो लगता है प्रेशर लगता है, अगर उसको कम करने के लिए आप प्रतिदिन 2 केले खा रहे हैं तो आपको एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाएगा और बढ़ाने से आपका हरासमेंट को बहुत कम करेगा। आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 केले प्रतिदिन खाइए या व्यायाम कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।